नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। मथुरा जेल में 150 साल पहले बने फांसी घर में ये सन की प्रेमिका को मारने तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जिसकी प्रेमी को भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। दोनों के नाम शबनम और सलीम है। दोनों का जुर्म बेहद खतरनाक है, इतना खतरनाक जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, प्यार के खातिर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों के कत्ल करने वाली महिला शबनम को जल्द फांसी दी जा सकती है। शबनम आजाद हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। शबनम यूपी के अमरोहा की रहने वाली है। शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने महबूब सलीम के साथ मिलकर 7 परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें, सलीम को भी फांसी दी जा रही है। शबनम को मथुरा जेल में फांसी की तैयारियां शुरू कर दी गई है और पवन जल्लाद ने फांसी घर के भी जायजा ले लिया है। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी है। रस्सी के लिए भी ऑर्डर दिया जा चुका है। बता दें, मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया था, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर ये फांसी होती है तो शबनम आजाद हिंदुस्तान फांसी के फंदे पर लटकने वाली पहली महिला होगी। वहीं ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद शबनम सलीम ने राष्ट्रपति को याचिका भी भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।